नमस्कार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो मैं जानकारी देने वाला हूँ उससे बहुत सी बहनें जो उम्मीद लगा करके आज बैठी होंगी कि ग्रुपों में मेरे द्वारा जो पोस्टें रोज डाली जाती थी वो आ रही होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। कल से किसी भी ग्रुप में जो मेरे ग्रुप नहीं है, जो अन्य हमारे भाई बहनों के ग्रुप हैं, हमारी सम्मानित यूनियन की बहनों के ग्रुप हैं, चाहे जितना प्यार सम्मान मुझे मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, आप सब जानते हैं, हमारी बहनें तो खासकर जानती ही हैं जितनी भी बहनें हैं यूनियनों की। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आप सभी बहन प्यार सम्मान देती हैं, ऐसे हर कोई नहीं देता है। कारण है, कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं, ये हर किसी के साथ में होता है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कुछ प्रयास कर रहा है किसी के भलाई के लिए कहीं कुछ, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए भी लोग सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ आज हमें सामने देखने को लोग मिले, क्योंकि हमारी बातों में सच्चाई थी, फिर भी उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने मुझे गलत ठहरा दिया। कारण ये था कि एक बहन, उनका कहना था कि वो एक ग्रुप में नहीं है, उनके वो चार पांच ग्रुप में है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही थी कि मेरे द्वारा जो खबरें दी जाती हैं वो सभी ग्रुपों में सेम दी जाती हैं, बराबर दी जाती हैं, और हर किसी ग्रुप में मैं खबर डालता हूं ताकि किसी भी बहन के पास में कोई भी खबर ना छूटे, उनके पास तक वीडियो पहुंच जाए, अगर किसी भी जगह का कोई भी लेटर जारी होता है, कुछ भी खबर होती है। तो इस चीज को देखते हुए अब हर ग्रुप में जब मैं खबर डालूंगा तो हर जगह सेम ही तो खबर जाएंगी। अब एक बहन अगर पांच ग्रुप में जुड़ी होगी तो उसके पांच, जाहिर सी बात है, मेरी वो पांचों खबरें पहुंच जाएंगी, यानी कि एक खबर पांचों बार जाएगी, तो उससे दिक्कत होगी। जिसके कारण मैंने उनको समझाया कि बहन आप एक ग्रुप में रहिए तो आपको समस्या नहीं होगी। तो इस पर एक सम्मानित भाई ने क्या कह दिया कि आप खुद ही ये चीज क्यों लागू नहीं करते, आप खुद ही ग्रुप क्यों नहीं छोड़ देते, इतने ग्रुपों में आप क्यों हैं। जिस पर मैं चाहता तो आप उनको, अगर वो समझना चाहते तो खुद ही मेरी बात को समझे होते, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ रोकना जानते हैं, खुद तो कुछ किया नहीं आज तक आंगनबाड़ी बहनों के लिए, मैं कहना चाहूंगा। और यूनियन से हैं वो, लेकिन मैं उन नाम नहीं लेना चाहता, बेकार में उनकी पब्लिसिटी होगी यहाँ पे, जिसका कोई फायदा ही नहीं। बस इतना समझाना चाहता हूँ, उनको लगता है कि अगर मैं ग्रुपों में वीडियो नहीं डालूंगा तो इससे उनका फायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात जो वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इससे जो मैं खबरें देता हूं, एक बात कहना, उनका कहना है कि आंगनबाड़ी बहनों का भला हो या ना हो, लेकिन आपका होता है, मानते हैं मेरा होता है, लेकिन एक बात बताएं, क्या आंगनबाड़ी बहनों का भला इससे हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका जवाब ये तो नहीं दे सकते। लेकिन भाइयों बहनों जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग तो दे सकते हैं। मेरे द्वारा जब से खबरें यूट्यूब पर आई हैं उससे आपको राहत मिली है या नहीं मिली है, इसका जवाब जरूर दे देना, ताकि ऐसे लोगों को भी जवाब देना जरूरी होता है। साथ ही साथ जो उनको लगता है कि खबरें ना डालूँ, तो खबरें नहीं डालूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कह देंगे तो मैं डर जाऊँगा या ऐसी कोई बात है, ये तो भूल जाए, सपने में भी मत सोचना, क्योंकि मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पे अगर सच्चाई को लेकर के आवाज कोई उठा रहा है, भले ही अकेला चल रहा हो, मैं जब चला था तब अकेला था, आज मेरे साथ में हर एक यूनियन की बहन जुड़ी हुई है और हर एक यूनियन की बहन मुझे प्यार और सम्मान देती है, छोटे भाई की तरह। जो तस्वीर देख रहे हैं ये मैं ही हूं, इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद सोचिए, 21 साल का लड़का हमेशा सच्चाई को लेकर के आवाज उठाता है, क्यों ऐसा करता है? इसमें मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारा एक मन है, अंदर से दिल करता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। और जहां पे आप तो देखते ही रहते हैं YouTube पर फर्जी खबरें आती हैं, बस इन्हीं फर्जी खबरों से तंग हो आकर के मैंने ये अपना चैनल बनाया था, जिसको आज हमारी बहन भाई आप सभी लोग देख रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे ही सच्ची खबरें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा था, उम्मीद थी, ऐसे ही वो भी थे एक, वही वो उनके जलन का कारण भी मैं बताता हूँ। चैनल उनका भी बना था कुछ समय पहले, जिसका उनकी उन्होंने एक मीटिंग की थी, इसकी जानकारी मुझे उन्होंने भेजी थी, मैं सब जानता हूं, मुझे कुछ भी जो है दिमाग से जाता नहीं है, याद हर एक चीज रहती है, पल पल की रहती है। तब उन्होंने वीडियो डिलीट करवा दिया था, फिर भी मुझको बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो उनकी मेहनत नहीं थी, वहां पे एक फोटो भेजी उन्होंने ही थी मुझको वीडियो बनाने के लिए, मैंने बनाया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमने भी वीडियो बनाया, उनका भी चैनल है, जिस वजह से। लेकिन कारण यह रहा, अब सच्चाई दिखा नहीं पाए, बोल पाए नहीं, सच्चाई दिखा नहीं पाए, तो कैसे बहने जुड़ती, किसको भरोसा होता? आज अगर सुधांशु पटेल दिल खोल करके बोल रहा है, सच्चे मन से बोल रहा है, तभी तो बहनों को यकीन होता है, तभी वो हमारे साथ खड़ी होती है, तभी आज हमारे यूनियन की हर एक बहन हमारा साथ खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि मैं तो किसी यूनियन से हूं नहीं, फिर भी मुझे इतना प्यार सम्मान क्यों देते हैं लोग? कारण यही है कि मैं सच्चाई को लेकर के आवाज उठाता हूं। हमारी यूनियन की जितनी भी बहनें हैं वो अगर कोई प्रयास करती हैं कोई, तो उनके प्रयासों की मैं सराहना करता हूं, उनके कार्यों को दिखाता हूं, ना कि ये बेफजूल की खबरें दिखाता हूं। क्योंकि अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसको शाबाशी देंगे, उसके काम की सराहना करेंगे, तो उसको मनोबल बढ़ेगा और वो आगे से आगे और काम अच्छे करेगा। बस इस उम्मीद में और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूं, ताकि हमारे यूनियन और हमारी बहनें बेहतर से बेहतर कार्य करते जाएं, जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के हित में हो, बस इसी उम्मीद के साथ में। बाकी ऐसे लोग जो आरोप लगाते रहते, फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कभी ना कभी दिल कमजोर जरूर होता है इन चीजों को देख करके, कि क्या है, मतलब जिनके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं वही ऐसे इंजाम लगाते हैं।
फिलहाल के लिए मैं उनके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए है कि आपसे किसी भी ग्रुप में मैं खबर नहीं डालूंगा, ये 100% है। क्योंकि अगर किसी को चाहिए है खबरें, तो पहली बात तो चैनल पर वीडियो डेली आएंगे, जैसे आते वैसे आते रहेंगे। आप लोग यहीं से शेयर करना चाहें तो अपने अपने ग्रुपों में बहनों शेयर कर लेना, हमारी जितनी भी सम्मानित बहनें हैं। आप सभी लोगों के मैसेज भी हमने देखे बाद में आए, लेकिन उसका मुझे खेद है कि मैं बिना बताए सभी ग्रुपों से लिप्त हो गया। ग्रुप में भले ही मैं आ जाऊंगा, लेकिन खबरें मैं नहीं डालूंगा। कारण यह है कि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। जिनको लगता कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूं, तो उनकी मानसिकता है, वो गंदी मानसिकता, सोच उनकी बिल्कुल गलत है। क्योंकि पैसे कमाने के तरीके बहुत हैं। रही बात हुनर की, तो हुनर तो आप देख ही रहे हैं। 21 साल का लड़का अगर दिल खोल करके बोल रहा है लोगों के सामने और सभी के सच्चाई को लेकर के आगे बढ़ रहा है, रही बात लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की, बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो गई। एक तो झूठी खबरें जो देते थे यूट्यूबर की, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपना नया करियर सोच रहे थे यूट्यूब पर झूठी खबरों के साथ में, या आंगनबाड़ी बहनों को गुमराह करने के लिए, तो उनका भी करियर जो है गुमराह हो गया। तो यही कहीं ना कहीं सच्चाई है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी भी यूनियन हो या हमारी भाई बहन हो, किसी से मुझे कोई जलन नहीं रहती। कारण है कि हमारे संस्कार वो अलग है, आपके संस्कार अलग है। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं ये मैं जानता हूं। रही बात आपको लगता है कि ग्रुपों में मैं नहीं रहूंगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मैं ग्रुपों में नहीं रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो बहनें हैं जो हमसे खुद चाहती हैं, अब उनकी मानसिकता है कि वो उनको बुरा लग रहा हो, लेकिन बहुत सी बहनें हैं जो इंतजार करती हैं सुबह शाम वीडियो का, बस उनके लिए मेहनत कर रहा हूं और उनके लिए आगे करता भी रहूंगा, ना कि ऐसे लोगों की वजह लोगों के लिए जो हमें हमेशा हमारे कामों को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जितनी सच्चाई मैं दिखाता हूं ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर, शायद ही कोई यूट्यूबर दिखाता हो। कारण है कि कोई डर रहा है, किसी के पास ज्ञान नहीं है, किसी के पास समझ नहीं है, कोई खुद ही सिस्टम में करप्ट सिस्टम में जो मिला हुआ है, और कोई आप तो जानते ही हैं बहुत से लोग गलत काम करते रहे यूनियनों के साथ में मिलकर के। तो ऐसे चीजों को खुलासा भी हमारे द्वारा बहुत किया गया, हर एक बहन की सच्चाई दिखाई जाती है। तो यह सुधांशु पटेल की आवाज है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको कहना चाहूंगा, बस एक बात मेरी बात मान लेना कि मुझे ग्रुप में जोड़ भले ही लेना, लेकिन खबरों की उम्मीद मत करना कि मैं अपने आप लिंक वहां पे डालूंगा, आप लोग खबरें देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया पर वीडियो मेरा आएगा, आप लोग जिसको भी जरूरत हो यहीं से देख सकते हैं। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्जी, मेरा काम है सच्चाई दिखाना। और यही मैं हूँ सुधांशु पटेल, मैं आपको कहना चाहूँ, क्योंकि बहुत से भाई बहन नहीं भी जानते होंगे चैनल से जो जुड़े हैं, लेकिन हमारी यूनियन की बहनें, खासकर हर एक भाई बहन जानती है, क्योंकि मेरी फेसबुक आईडी से हर एक भाई बहन जुड़े हैं। आपको पता है कम से कम 10 महीने हो गए जब से मैं ऑल इंडिया पर डेली सुबह शाम दोपहर आवाज उठाता रहता हूं हमेशा, क्योंकि यहां पर आदत एक पड़ चुकी है कि हमारा कोई इंतजार कर रहा होगा चैनल पर, भाई बहन आप सभी लोग सुबह शाम के वीडियो का, तो उनके लिए समय निकालना पड़ता है। जिसके चलते मैंने कई बार अपना ख्याल नहीं रखा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा। आप लोगों को शायद पता होगा, जो भी लोग मेरे डेली के व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते रहते हैं, आपको पता होगा कई बार मेरी तबीयत खराब हुई, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया। और रही बात मेरे शब्दों की या कुछ भी, कभी भी मैं ये नहीं करता कि इसको एडिट करूं, ये करूं, वो करूं, क्योंकि हमारा काम है सच्चाई दिखाना। जो मैं जैसा हूं वैसा आप लोगों के सामने हूं, मेरा काम है आप लोगों को सही राह दिखाना, साथ ही साथ हमारे जो यूनियन की बहनें हैं उनका मनोबल बढ़ाना, वो अगर बेहतरी के लिए कार्य कर रही हैं तो उनके कार्य की सराहना करना। और क्योंकि हम जानते हैं आज तक क्या हुआ, हमारी खबरों को, हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो या सहायिका, इस निचले तबके के विभागों को आज तक चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे बड़ा मीडिया वाला हो, किसी ने नहीं दिखाया। दिखाया तो फर्जी के यूट्यूबरों ने दिखाया था, वो भी मानदेय बढ़ा दिया देते थे डेली 40-40 हज़ार, 18-18 हज़ार कर देते थे। तो फर्जी का मानदेय बढ़ा करके झूठी खबरें दिखाते थे, जिससे हमें भी परेशानी होती थी। आज आप लोग देख रहे हैं, ऐसे मैं भी किसी दिन खबरें देख रहा था। कारण क्या था, मैं भी खबरें देखता था, घर में कहता था ऐसा ऐसा सब हो गया, लोगों को जानकारी मिली, ग्रुप में डालता था, बाद में पता चलता था ऐसा कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं है। यूनियनों से अगर बात करता था तो यूनियन कुछ बताते नहीं थे, जिस वजह से काफी निराशा होती थी। तो धीरे धीरे चीजों को समझने लगा, और आज हमारे साथ में जितनी भी हमारी अच्छी बहनें हैं यूनियनों की, हर एक बहन मुझसे जुड़ी हुई है, उनसे बात होती है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो बहनें वो काम को भी करती हैं। अगर किसी आंगनबाड़ी बहनों की समस्या होती है उनके स्थान पर, जिले पर, तो उसका भी निराकरण कराया जाता है। साथ ही आप लोग देख तो रहे हैं कितनी आवाजें लगाई गई मेरे द्वारा और मेरी बहनों के द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं जो ये लगाव है मेरा और मेरे यूनियनों की बहनों का आपस में, तो इससे भी जलन है ऐसे लोगों को। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा कौन है, लेकिन ऐसे लोगों को इस चीजों से जलन बहुत ज्यादा है। तो मैं एक बात ही समझाना चाहूंगा कि खबरें बहनों सिर्फ ऑल इंडिया पर मिलेंगी, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं डाल पाऊंगा। कारण यही है कि बेवजह मुझ पर कोई टिप्पणी करे, कमेंट करे, वो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मेरा काम है सच्चाई के लिए आवाज उठाना। बाकी जो बहनें जागरूक हैं, समझदार हैं, वो तो मेरी बातों को समझती हैं, बाकी जो नहीं समझती उनको मैं समझाते समझाते भी थक जाता हूं कभी कभी कुछ चीजें, तो वो वैसे भी नहीं समझ पाती है, तो क्या फर्क पड़ता है।
तो जो बहनें जागरूक हैं वो पहली बात तो चैनल से जुड़ी हैं, वीडियो देख ही रही हैं, और मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ग्रुप में रहूं या ना रहूं। ग्रुप में रहता हूं तो कुछ हमारी अच्छी बहनें, खासकर यूनियन की जो भी मेन बहनें हैं, हर एक जिला अध्यक्ष बहनें, हर एक प्रदेश अध्यक्ष बहनें, जितने भी यूनियन है हर कोई जानता है, लेकिन आवाज कुछ ही एक मैं कहना नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस एक ही ऐसे यूनियन है जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसी में दो चार लोग हैं जो शायद, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत से बहनों जिन्होंने सराहना उन्हीं की गई जिन बहनों ने कुछ अच्छे प्रयास किए, कार्य किए, फिर चाहे वो छोटे तबके से हो या कोई भी हो, उनकी खबरों को मैंने दिखाया, बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। कारण क्या था कि उनके कार्यों की सराहना करना और साथ ही साथ लोगों में विश्वास जगाना कि हम अगर लड़ाई लड़ेंगे आगे तो हमें सफलता मिलेगी। मनोबल नहीं हमने तोड़ा आज तक कि हाँ कुछ नहीं होगा और बहनों घर में बैठ जाओ, क्योंकि घर में बैठने से कुछ होता ही नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने भी आवाज़ लगाई, लेकिन आवाज़ यहाँ तक ऑल इंडिया पर ही जो लगी वही सक्सेस हुई। और आज भी हमारी बहुत सी बहनें हैं जो यही दिलासा देती रहती हैं कि भाई ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो, इनका काम हमेशा रोकने का होता है। आपकी बातें एकदम सही हैं, लेकिन रही बात खबरों की, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि खबरें ग्रुप में डालूँ या ना डालूँ, कोई और डाल देगा, मैं नहीं डालूंगा, तो आप में से कोई ना कोई तो बहन उस ग्रुप में ज़रूर होंगी जो मेरा वीडियो डेली देखती हैं, तो वो बहनें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुझसे जितना हो सकता था, एक तो वीडियो बनाता था, साथ में हर जगह शेयर करना भी पड़ता था, तो कम से कम ऐसे लोगों की वजह से आज ये भी उनकी मानसिकता दूर हो जाएगी कि मैं ग्रुप में अगर वीडियो नहीं डालूंगा तो बहनों पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा और बहनें समझ नहीं पाएंगी या जागरूक नहीं हो पाएंगी, आप जैसे चाहेंगे उनको गुमराह कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला ही नहीं है। क्योंकि आज के समय में हमारे यूनियन बहुत से ऐसे हैं, वहाँ की बहनें ऐसी हैं जो समझने लगी हैं चीज़ों को, और एक छोटी छोटी जो कमियाँ हैं वो पहचानने लगे कि कौन क्या कर रहा है। खासकर आंगनबाड़ी यूनियन है और उसमें महिलाओं का कार्य होता है, महिलाएं हैं, लेकिन इसमें पुरुषों का क्या कार्य है, वो क्या यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, ये भी तो सवाल उठते हैं। बहुत सी बहनों ने खुद ही मुझसे, यूनियनों की बहनों ने कहा ऐसे लोगों से दूर रहिए, यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, महिलाएं हैं, फिर भी ऐसे लोग राजनीति करते हैं, आप लोग तो खुद अच्छे से जानते हो, फिर भी टेंशन क्यों लेते हो। मुझे कुछ टेंशन कुछ भी नहीं है, लेकिन आज थोड़ा मन हुआ कि आप लोगों के साथ कुछ बात कर लूं, और साथ ही साथ ये सूचना भी दे दूं कि आज से बाकी के जो ग्रुप हैं, सिर्फ मेरे जो ग्रुप चल रहे हैं उन्हीं ग्रुपों में मैं अपने वीडियो को डालूंगा, बाकी अन्य किसी भी ग्रुप में मैं वीडियो नहीं शेयर करूंगा, ताकि ऐसे लोगों को लगे कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ या मैं खबरें दे रहा हूँ तो अपने फायदे के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको लगेगा अच्छा वो देखेगा, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई दिखाई जाएगी और जो हमेशा दिखाई जा रही थी आगे भी दिखाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।